आकांक्षा दुबे की मौत कैसे हुई, खुल गया राज। मोबाइल की जांच में वो सच सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। होटल पहुंचाने वाले लड़के पर लिया गया तगड़ा एक्शन, हुए बड़े बड़े खुलासे। कई बड़े भोजपुरी स्टार अब जाएंगे जेल, पुलिस के हाथ लग गया बहुत बड़ा सबूत। आकांक्षा दुबे की मौत के बाद जैसे ही पुलिस ने उनके फोन को खंगालना शुरू किया, भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सब अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ गए हैं। सबको डर सता रहा है, कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं। कोई भी दरवाजा खटखटाता तो ये भोजपुरी के गायक डर के मारे सहम जाते हैं, कहीं पुलिस तो नहीं आ गई। सूत्रों की माने तो पुलिस के हाथ ऐसे सबूत लगे हैं जिन्हें देखकर पुलिस के खुद होश उड़ गए हैं। जैसे ही आकांक्षा दुबे की मौत की खबर आई, शुरुआत में सबने यही सोचा कि परेशान होकर आकांक्षा दुबे ने फांसी लगा ली है। पर पुलिस की शुरुआती जांच से अब एकदम ऐसा नहीं लग रहा। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ते जा रही है, आकांक्षा दुबे की मौत कैसी हुई, इस राज्य के सारे पर्दे एक एक कर हटते जा रहे हैं। कहते हैं आकांक्षा दुबे एक बर्थडे पार्टी में गई हुई थी, जहां से आने के बाद आकांक्षा इंस्टाग्राम में लाइव हुई और इंस्टाग्राम लाइव में ही आकांक्षा दुबे फफक फफक कर रोने लगी थी। उसके बाद आकांक्षा फांसी के फंदे में झूल गई थी। पर यह कहानी जितनी सीधी बताई जा रही है उतनी सीधी है नहीं। सूत्रों का दावा है कि आकांक्षा दुबे की मौत से पहले कोई उनके कमरे में 17 मिनट तक रुका हुआ था। इतना ही नहीं, दावा ये भी किया जा रहा है कि जब आकांक्षा दुबे होटल आई तो वो जबरदस्त नशे की हालत में थी और सही से चल भी नहीं पा रही थी। होटल के मैनेजर ने भी कई खुलासे किए हैं। पुलिस उस लड़के तक पहुंच चुकी है जिसने आकांक्षा दुबे को लिफ्ट दी थी। बताया जा रहा है कि वो शख्स लंका थाना क्षेत्र के टिकरी का रहने वाला है। शनिवार देर रात आकांक्षा दुबे ने उससे लिफ्ट मांगी थी, तभी वो आकांक्षा को छोड़ने होटल आया था। ये सब चल ही रहा था कि इस केस में आकांक्षा दुबे की मां की भी एंट्री हो गई और उन्होंने भोजपुरी के गायक समर सिंह पर FIR दर्ज करवाई है। जैसे ही आकांक्षा दुबे की मां को उनकी मौत का पता चला, वो रोते बिलखते हुए सीधा मुंबई से वाराणसी पहुंची। देखने वाले बताते हैं कि आकांक्षा दुबे की मां का रो रो कर बुरा हाल था। वो चीख चीख कर एक ही बात दोहरा रही थी, मेरी बेटी की हत्या हुई है, वो कभी सुसाइड कर ही नहीं सकती। आकांक्षा दुबे की मां ने पुलिस को दिए अपने बयान में भोजपुरी सिंगर समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह पर कई खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा, समर सिंह 3 साल से उनकी बेटी को लगातार परेशान कर रहा है, वो उसे दिन रात टॉर्चर करता था, किसी दूसरे भोजपुरी कलाकार के साथ काम भी नहीं करने दे रहा था। जैसे ही आकांक्षा दुबे की मां ने ये बड़े बड़े खुलासे किए, भोजपुरी इंडस्ट्री में खलबली मच गई। और सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि आकांक्षा दुबे की मौत के बाद से लगातार समर सिंह का फोन बंद आ रहा है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि समर सिंह फोन बंद करके फरार हो चुका है और वो भारत से नेपाल होते हुए विदेश भागने की फिराक में है। अब जब आपका फोन बंद हो और आप फरार हो जाएं, तो जनता तो आपको दोषी ही समझेगी। पुलिस भी अब समर सिंह की तलाश में जुट चुकी है ताकि उससे पूछताछ की जा सके। आकांक्षा दुबे ने फांसी के फंदे पर लटक कर जान दे दी थी। शुरुआत में ऐसे कुछ कयास लगाए गए कि मानसिक दबाव के कारण उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन आकांक्षा की मां ने बड़े बड़े खुलासे करके सबको चौंका दिया है और उन्होंने सीधा समर सिंह पर आरोप लगाए हैं, जिससे पुलिस के भी होश उड़ गए हैं, क्योंकि समर और आकांक्षा एक दूसरे के साथ लंबे समय से काम कर रहे थे। वैसे आपको क्या लगता है, आकांक्षा दुबे ने सुसाइड किया है या उनकी हत्या की गई है? ब्यूरो रिपोर्ट।